कानपुर से है जहां पूरे भार विकास खंड के गुप्तारगंज कस्बे का है, जहां एक 7 वर्षीय पुत्र ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही अपनी मां के इलाज कराने व कैंसर से जान बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से लगाई है मदद की गुहार। बताते चले कि पूरा मामला पूरे भार विकास खंड क्षेत्र के गुप्तारगंज कस्बे का है, जहाँ राकेश चौरसिया की पत्नी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जिंदगी की जंग लड़ रही है। घर की माली हालत ठीक नहीं है। पीड़िता का 7 वर्षीय लड़का, जिसके हाथों में कॉपी किताबों और आंखों में सपने और खेलने आदि की बातें होनी चाहिए थी, लेकिन हालत इस कदर बिगड़े हुए हैं कि उस 7 वर्षीय बालक के मन में अपनी मां को लेकर संजीदगी इस कदर बढ़ गई है कि बीते 4 वर्षों से कैंसर का इलाज चल रहा है और इलाज में लगे भारी भरकम रुपए से उसके पिता टूट गए थे। इस सब को देखकर उस 7 वर्षीय बालक के मन में क्या सूझी कि उसने सोशल मीडिया के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से अपनी मां के इलाज के लिए आर्थिक रूप से मदद की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि क्या मुख्यमंत्री जी के यहाँ से इस मासूम बालक को मदद मिलती है या नहीं। कौन है जो देती हुई? क्या हुआ है? तो इसके पहले कहाँ इलाज चल रहा था इनका? पहले मेडिकल कॉलेज, चंदन हॉस्पिटल, फिर मेदांता। तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? पैसे की। तो इस अभी तक कैसे अरेंज कर रहे थे, कैसे का इलाज चल रहा था? जो था इसमें लग गया, उसके बाद खत्म हो गया सारा पैसा। तो कहाँ पे आप मदद की गुहार लगा रहे हो? मुख्यमंत्री। तो कब से कर रहे हो आप? कितने दिनों से आप सोशल मीडिया पर कब से वायरल कर रहे हो? 5-6 दिन से। कुछ रिस्पांस मिला? कहीं से कुछ फॉर्म फटाया? नहीं।